एक्टिंग के अलावा भी क्या करेंगी शाहरुख खान की लाडली? अब किस फील्ड में रखेंगी कदम? कब होगी उनकी फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज? शाहरुख खान के दोनों बच्चे सुहाना खान और आर्यन खान इंडस्ट्री में अपना नया सफर शुरू करने के लिए एकदम तैयार है। एक तरफ जहां आर्यन खान एक्टिंग से दूर बतौर निर्देशक अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वही अपने पिता के नक्शे कदम को फॉलो करते हुए सुहाना खान बतौर अभिनेत्री अपना डेब्यू करेंगी। बता दें कि अगस्त्य नंदा और खुशी कपूर के साथ वह जोया अख्तर के निर्देशन में बनी नेटफ्लिक्स की फिल्म द आर्चीज में अपनी अभिनय की कला दिखाएंगी। अब हाल ही में सुहाना खान ने अपने फैंस को बताया है कि वह सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि एक सिंगर के तौर पर भी अपना नया सफर शुरू करने जा रही हैं। सुहाना की एक्टिंग की एक झलक तो ऑडियंस उनकी वायरल क्लिप में भी देख चुके हैं, लेकिन शायद ये पहली बार होगा जब फैंस उन्हें गाना गाते हुए देखेंगे। सोमवार यानी 27 नवंबर को सुहाना ने अपने सिंगिंग फील्ड में डेब्यू की जानकारी खुद अपने चाहने वालों के साथ शेयर की। वहीं जोया अख्तर के निर्देशन में बनी द आर्चीज में सुहाना एक्टिंग का जलवा तो बिखेरेंगी ही, लेकिन पहली फिल्म में उन्हें ये भी मौका मिला है कि वह अपना सिंगिंग टैलेंट फैंस को दिखा सके। उन्होंने द आर्चीज के गाने जब तुम न थी का पोस्टर भी शेयर किया। इस गाने को शाहरुख खान और गौरी खान की लाडली बेटी ने खुद अपनी आवाज में गाया है। बता दें कि सुहाना ने इस गाने का पोस्टर फैंस के साथ शेयर करते हुए लिखा, मैंने अपना पहला गाना गाया है, जोया अख्तर और शंकर महादेवन, मेरे साथ इतना सबर रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज इसको दयालुता के साथ सुने। जोया अख्तर के निर्देशन में बनी ओटीटी पर रिलीज होने वाली द आर्चीज में सुहाना खान, खुशी कपूर और अगस्त्य नंदा के अलावा वेदांग रैना, मिहिर आहूजा, अदिति डॉट और युवराज मेंडा भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। द आर्चीज 7 दिसंबर 2023 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए वाया टॉक को भी सब्सक्राइब करें।